मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हमारा नया ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं आसनसोल, आज एक काम याद आ गया उसके लिए। थोड़ी देर में ही पनोरमा पार्क आने वाला है, जो कोई हम लोग का इधर का आपका भी इधर का बेस्ट एरिया है घूमने के लिए, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। ठीक है, ये हम लोग का गैस गोदाम, यहीं से हम लोग का गैस जाता है पूरा पंजमारी का। ये देखिए आगे पंच जा रही है एकदम मस्त, लेकिन बिचारी लग रहा बहुत दूर से आई है, एकदम गंदा हो गई है। दोस्तों कुछ देर में पनोरमा पार्क आने वाला है, ये देखिए पनोरमा पार्क स्टार्ट हो गया यहाँ से। दोस्तों बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़ यार, सीजन टाइम बहुत भीड़ रहता है। ये देखिए रेस्टोरेंट है पनोरमा का, और यहाँ से पार्क स्टार्ट होता है, एंट्री है यहाँ से। अभी तो फिलहाल ठंडा मौसम है तो भीड़ नहीं लग रहा है इसके वजह से। ये देखिए हम लोग का NH2 नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट इंडिकेटर जला देते हैं, लेफ्ट जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ से आराम से चलते रहेंगे। चलना है धीरे धीरे, क्या पाची। चलो यार ऊपर देखिए ट्रक जा रहा, देखिए कैसे चला रहा है गाड़ी ट्रक वाला, बाएं दाब के ऊपर चला रहा है यार। यार बहुत स्पीड चल रही है, चलो ठीक है इससे आगे निकलते हैं। स्कॉर्पियो भी स्पीड है, इससे भी आगे निकलते हैं। XUV थी यार, पुरानी वाली XUV है, इसका टायर थोड़ा ओवर साइज लग रहा है, काफी ज्यादा फैला हुआ है। चलिए इससे भी आगे निकलते हैं। पर चल रहे हैं देख लो, वास्तु भी है जिसका एडवर्टाइजमेंट मनोज तिवारी करते हैं, फिलहाल अभी तो नहीं कर रहे हैं, ये बन के पड़ा हुआ है। कुछ कुछ आदमी यहाँ रहने के लिए आए हैं, पहले यहाँ टोल टैक्स था, अभी फिलहाल यहाँ से उठ के हम लोग का डुबुड़ी चेक पोस्ट पर चला गया है, उसका आगे मैथिल के पास। देखिए अब आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाला है थोड़ी देर में, तो वो देखिए अभी से आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेने के लिए उसके लिए हम लोग इंडिकेटर देते हैं लेफ्ट का, वो देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज सामने, इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, वो देखिए सामने है ना, हम लोग नीचे से उसके पार जाएंगे। यहाँ तो एकदम बच के रहना है, यहाँ आना तो एकदम बच के रहना है। ठीक है, देखिए वहाँ चेक इन चल रहा है, यहाँ जब भी आइएगा तो ध्यान से बहुत चेक इन चलता है, सब कागज़ पत्र रेडी करके आइएगा, नहीं तो 500 का फाइन नॉर्मल, 1000 का उससे ऊपर, और उसके ऊपर तो मत पूछिए कितना हो सकता है, लेकिन नीचे 500 उसके ऊपर 1000। ठीक है,
चलिए खाली तो हो गया, हम लोग को जाने दे भाई, कब से वेट कर रहे। चलिए ग्रीन सिग्नल हो गया, आप निकलते हैं थोड़ा आगे। चलो चलो धीरे 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 धीरे, ठेला वाला भैया साइड दे दो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड। चलो ये देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों, बहुत बड़ा हम लोग का यही शान है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। स्टार्ट हो जाएगा, देखिए इधर बहुत बड़ा होटल है, ये देखिए द हिंदुस्तान रेसिडेंसी, बहुत बड़ा होटल आरोग्य। ये देखिए अड्डा गेस्ट हाउस है, यहाँ पर कोई भी आएगा तो यहाँ रुकेगा, कोई मतलब मंत्री वंत्री हम लोग नॉर्मल आदमी नहीं है। एमरजेंसी लोग को ज़्यादा लेता है, ठीक है, और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है यार। रेलवे का मेन लाइन, ऊपर से मालगाड़ी जा रही है, देखिए किधर रॉन्ग साइड में घुस गया था टेम्पो वाला, ऊपर से मालगाड़ी जा रही है, थोड़ा जाम लग रहा है, भीड़ है, देखते हैं कितना देर यहाँ। चला रहा यार, चलिए। ये हम लोग का स्वामी विवेकानंद मोड़ आ गया, कॉपर हंडी रेस्टोरेंट, यहीं से अपना गाड़ी का सर्विस हम लोग कराए थे दोस्तों प्रीवियस ईयर। हम देखिए नेक्स्ट इंश्योरेंस कहाँ से करवाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद है, हम लोग का मोड़ है, चौमुखी रास्ता है, दादा बोधी बिरयानी, देखिए दोस्तों दादा बोधी बिरयानी यहाँ पर है, और देखिए हिंदुस्तान केक एंड वॉक, हिंदुस्तान स्वीट एंड स्नैक्स यहीं पर है, बहुत फेमस है, वहाँ बहुत भीड़ रहता है सुबह सुबह। कुछ हमारे डैशबोर्ड है, अभी बगल में कोई नहीं है, हम अकेले हैं कार में एकदम बिल्कुल। चलो भाई सिग्नल हो गया, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। चल भाई ऑटो वाले, यहाँ
सब लोग पाए बीनार की तरफ मुड़ते हैं। ऑटो वाला भैया बढ़िया, चलो ठीक है निकल गया हम लोग आगे। और यहाँ बहुत जाम रहता है, एक सिग्नल मिला नहीं दूसरा सिग्नल देख लो आगे, फिर इसके बाद सिग्नल है तो ट्रैफिक एरिया है लेकिन ठीक है। ये देखिए रविंद्र भवन पीछे में आपको दिख रहा होगा येलो कलर का टेम्पो का साइड में। चलिए सिग्नल हो गया हम लोग निकलते हैं, फिर कभी दिखाएंगे आपको बढ़िया से रविंद्र भवन। मारुति की इग्निस सही है, अच्छी गाड़ी है, छोटी फैमिली के लिए बढ़िया है, माइलेज भी ठीक है, मजबूत गाड़ी है। देखिए बहुत बड़ा गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज का सब सामान मिलेगा। अब हम लोग आने वाले हैं शताब्दी पार्क, जो कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं क्योंकि मेरा स्कूल यहीं पर है, आप लोगों को पता लगे मेरा स्कूल कौन सा है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, मेरा स्कूल आने वाला है। ये देखिए शताब्दी पार्क, बहुत भीड़ लगता है यार रविवार को देखिए, लेकिन आज उतना भीड़ नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा है, मौसम सही रहता है ना, बारिश का मौसम है, कौन आएगा यहाँ पर, कुछ बैठने का भी नहीं जगह है, बस घूमते रहो इधर उधर, इसी लेटर से नहीं आते घर से निकलना। यहाँ से देखिए हम लोग का स्कूल स्टार्ट, हम लोग बने और टीचर मिशनरी स्कूल है, इसमें लोरेटो कॉन्वेंट है, सन मेरी गवर्टी है, छोटा बिल्डिंग जिसको बोलता है क्लास 4-5 तक है, 4 तक मेरे ख्याल से 5 से वहाँ है, 5 तक यहाँ से पता नहीं जो भी है। अपना उधर देखिए हम लोग का सेंट जोसेफ वहाँ आ गए, सेंट जोसेफ हाई स्कूल आसनसोल, इसी में हम पढ़े हैं। देखिए ये वाला स्कूल है जो ब्लू वाइट बॉर्डर है, देखिए आगे लिखा हुआ सेंट जोसेफ हाई स्कूल लिखा हुआ ना, हाँ यही हम लोग का मेन गेट था। देखिए देखिए ये वाला स्कूल है, देखिए जो लास्ट ऊपर में खिड़की है। तो हम लोग आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं दोस्तों, ये देखो DRM ऑफिस, आसनसोल डिवीजन में कोई भी ज्वाइन करेगा हम लोग का तो यहीं पर आके अपना ज्वाइन कर देगा, उसके बाद ज्वाइन करेगा, यहीं से उन लोग को बांटा जाएगा डिपार्टमेंट, आपको कहाँ जाना है और कहाँ पर आपका ड्यूटी लगे। देखिए ये मेन गेट है और ये देखिए पूरा एरिया है DRM ऑफिस का, बहुत बड़ा जगह लिया है ये, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इन्हीं का बाउंड्री है, यहाँ तक देखिए लास्ट तक यहीं बाउंड्री है। हम लोग यहाँ से बाएं लेफ्ट जाएंगे लेफ्ट और ये आने वाला है आसनसोल रेलवे स्टेशन। देखिए वेलकम टू आसनसोल लिखा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है, देखिए आसनसोल स्टेशन में आपका स्वागत है। और बहुत पानी था तभी थोड़ा सा कम हुआ है, देखिए बहुत भीड़ है, देखिए कितना भीड़ है, देखिए ये आसनसोल रेलवे स्टेशन है। इसको रंग दिया व्हाइट कलर से, इसका हो सके नया रंग कुछ हो अच्छा, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है इसमें से। देखिए ये है आसनसोल रेलवे स्टेशन, आ गए हम लोग अपने यहाँ काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से घर चलेंगे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।